सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल तुरुश्रिता को और प्रेस कीजिए इस बेल बटन को ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तुरुश्रिता पर और मैं हूँ तुरुश्रिता। आज हम देखेंगे कि हेना को हम अपने बालों में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आप चाहे तो हेना को सिंपली पानी में मिक्स करके उसका पेस्ट बना के बालों में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हेना से आपके बालों में भरपूर मात्रा में फ़ायदा हो तो आप मेरे बताए हुए इस प्रोसेस को ज़रूर अप्लाई करें। तो चलिए वीडियो को जल्दी से देख लेते हैं। तो हेना पैक बनाने के लिए सबसे पहले हमें हेना पाउडर की ज़रूरत है। आप चाहे तो कोई भी ब्रांड का हेना पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मोयरी का जो ब्लैक हेना पाउडर है उसे यूज़ कर रही हूँ। मुझे हेना के लिए बालों में ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं ब्लैक कलर की हेना पाउडर को चूज़ की है। अगर आपको बर्गंडी कलर या फिर ब्राउन कलर पसंद है तो आप उस कलर की भी हेना पाउडर को चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने बालों के हिसाब से एक बाउल में हेना पाउडर ले ली है। उसके बाद अलग से एक बाउल में हम एक चम्मच नॉर्मल जो टी हम घर में यूज़ करते हैं वो टी ऐड करेंगे और एक चम्मच ग्रीन टी ऐड करेंगे। अगर आपके पास ग्रीन टी ना हो तो आप नॉर्मल टी ही दो चम्मच यूज़ करें और देन उसमें ऐड करेंगे दो कप पानी। उसके बाद इसे हम गैस में बॉईल कर लेंगे। जैसे हम नॉर्मली चाय को बॉईल करते हैं पानी में, उसी तरीके से हम इसे बॉईल कर लेंगे और दो उबाल आने तक इसे बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद एक छन्नी की मदद से थोड़ा थोड़ा करते हुए इस लिक्वर को छान लेंगे और उसे हेना में ऐड करेंगे। ध्यान रहे, हमें इसे एक ही बार में हेना में ऐड नहीं करना है, हमें इसे थोड़ा थोड़ा करते हुए छान के इसे हेना में ऐड करना है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। चाय की पत्ती से अच्छी तरीके से लिकर छान लेने के बाद ये जो चाय की पत्ती हमारी रह जाएगी इसे हमें फेंकना नहीं है। इसमें हम अलग से शक्कर और दूध मिला के नॉर्मली जैसे हम घर में पीने लायक चाय बनाते हैं उसे हम बना सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक पूरे नींबू का रस। अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी लम्स ना रहे और देन हमें इसे इसी तरीके से ढक के ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। अब सुबह आप जब इसे देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इसके बाद अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इसमें 5 चम्मच दही ऐड कीजिए और अगर आप वेजिटेरियन नहीं हैं तो आप इसमें एक पूरा अंडा ऐड कीजिए। मैंने यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को ही ऐड की है क्योंकि मुझे इन दोनों चीज़ों की ही बेनिफिट चाहिए, इसलिए अगर आप चाहें तो किसी एक चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। अब अगर आपको पेस्ट बनाने के बाद ऐसा लग रहा हो कि आपका पेस्ट जो है हेना का वो बहुत ही ज़्यादा थिक हो चुका है तो आप इसमें नॉर्मल पानी के बदले में या तो मिल्क ऐड कीजिए या फिर जो मेथी दाने का पानी होता है उसे ऐड कीजिए। इससे आपको हेना का और भी ज़्यादा बेनिफिट अच्छा मिलेगा। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा जो हेना का पैक है वो बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम इसे अपने बालों में अप्लाई कर लेंगे। हेना बालों में अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि आपके बालों में किसी भी तरीके का कोई भी ऑयल लगा नहीं रहना चाहिए। अगर आपके बालों में ऑयल है तो आपको सबसे पहले शैम्पू कर लेनी पड़ेगी। हेना को कभी अपने गंदे बालों में अप्लाई बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपके बाल गंदे हैं, आपके स्कैल्प गंदा है तो आपको सबसे पहले शैम्पू करनी पड़ेगी और उसके बाद बालों को सुखा के देन आप अपने बालों में हेना को अप्लाई कीजिए। बालों में हेना अप्लाई करने से पहले बालों को अच्छी तरीके से कॉम करके डिटेंगल कर लीजिए।
तो मैं यहाँ पे अपने बालों में हेना को लगाने के लिए एक पुरानी सी ब्लैक कलर की टी शर्ट को पहन ली है, ताकि अगर गलती से भी हेना मेरे टी शर्ट में गिर जाए तो मुझे उसकी कोई फिक्र ना रहे। हेना को अपने बालों में अप्लाई करते वक्त आप अपने हाथों में ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिएगा, अदरवाइज आपके हाथों में भी हेना का जो कलर है वो चढ़ जाएगा। अब सामने की तरफ से थोड़ा थोड़ा करते हुए बालों के सेक्शन को लेके उसमें रूट से लेकर टिप तक अच्छी तरीके से हेना को अप्लाई करेंगे। ध्यान रहे ताकि हर एक बालों में हेना का जो कोट है वो अप्लाई हो, और अप्लाई हो जाने के बाद उसे अच्छी तरीके से अपने स्कैल्प के ऊपर इस तरीके से छोटा सा बन बनाते हुए उसे सिक्योर कर लेंगे। और इसी तरीके से साइड से हम थोड़ा थोड़ा करते हुए बालों के सेक्शन को लेके उसमें भी हेना को अप्लाई कर लेंगे, और उसे पुराने जो हमारे पहले वाला जो बन था उसके चारों तरफ अच्छी तरीके से उसे लपेट के एक छोटा बन बना लेंगे। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए अपने पूरे बालों में हेना को अप्लाई कर लेना है। हेना हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। हेना से हमारे बाल लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बनते हैं, साथ ही साथ हमारे बाल शाइनी भी होते हैं, और हेना हमारे बालों को नेचुरली कलर भी करता है। इसमें हमने टी ऐड की है जो कि हेना के कलर को और भी ज़्यादा गहरा बनाने में मदद करता है, और साथ ही साथ एक नेचुरल कंडीशनर का भी काम करता है। ग्रीन टी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, और साथ ही साथ स्कैल्प की इन्फेक्शन को भी रिड्यूस करता है। लेमन हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ को कम करता है, और साथ ही साथ स्कैल्प में जो इचीनेस की प्रॉब्लम होती है उसे भी दूर करता है। दही या फिर अंडा, दूध या फिर मेथी दाने का पानी, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं जो कि हमारे बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है, बालों की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है जिससे कि हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, और साथ ही साथ आपके बालों को लॉन्ग थिक एंड शाइनी बनाने पे भी मदद करता है। हेना को इस तरीके से पूरे बालों में अप्लाई करने के बाद हमें हेना के ऊपर अच्छी तरीके से एक प्लास्टिक से अपने बालों को रैप कर लेना है। ध्यान रहे कभी भी हेना को लगाने के बाद बालों को इसी तरीके से खुला मत छोड़िएगा, इससे हेना जो है वो ड्राई हो जाएगा और आपके बालों को डैमेज कर देगा। इसीलिए हेना अप्लाई करने के बाद हमेशा अपने बालों को एक प्लास्टिक रैपर से रैप करके रख दीजिए। अब आपको इसे मिनिमम 2 घंटे से लेके मैक्सिमम 3 घंटे के लिए इसे आपको अपने बालों में ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद हमें अपने बालों को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है नॉर्मल टैप वाटर से। आपको यहाँ पे इस वक्त कोल्ड वाटर या फिर जो हॉट वाटर है उसे टोटली अवॉइड करना है। जो नॉर्मल टैप वाटर होता है, जो हमारे नलों में जो पानी आती है, उसी पानी से आपको अपने पूरे बालों को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है जड़ से लेकर टिप तक, ताकि कोई भी हेना का जो पार्ट है, पाउडर है, वो थोड़ा सा भी आपके बालों में ना लगा हुआ हो। इस वक्त आपको आपके बालों को सिर्फ पानी से ही धोना है, किसी भी तरीके का कोई भी शैम्पू, कंडीशनर, मास्क कुछ भी यूज़ नहीं करना है। सिर्फ नॉर्मल वाटर से आपको अपने बालों को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। हेयर वॉश हो जाने के बाद आपको आपके बालों को इसी तरीके से छोड़ देना है ताकि वो अच्छी तरीके से सूख जाए। अब आपको रात को सोने से पहले अपने बालों में ऑयल को अप्लाई करना है। ऑयल के लिए या तो आप कोकोनट ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, या फिर मस्टर्ड ऑयल यानी जो सरसों का तेल है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को जड़ से लेकर टिप तक अच्छी तरीके से अप्लाई कीजिए, और ओवरनाइट इसे इस तरीके से छोड़ दीजिए। हेना लगाने के बाद हमें अपने बालों में ऑयल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेना अप्लाई करने से हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं। तो ड्राइनेस की प्रॉब्लम को कम करने के लिए हमें अपने बालों में ऑयल को अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरनाइट अपने बालों में ऑयल को रखने के बाद सुबह हमें अपने बालों को शैम्पू और कंडीशनर से वॉश कर लेना है, और हो सके तो महीने में 2 बार अपने बालों में इस तरीके से हेना को ज़रूर अप्लाई कीजिए।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये टोटली फ्री है और सब्सक्राइब के पास में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।